हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिनलैंड की ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जो कि आपको हायर करेगी और फिनलैंड के एक अच्छे खासे एम्प्लॉयर के अंदर काम पर लगा देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको किसी भी काम करने के लिए जो है 2 से 3 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल सकती है दोस्तों। और फिनलैंड में अगर आप खर्च की बात करें तो खर्च भी आपका ज्यादा नहीं होने वाला है, जितना आपका माल्टा में होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम, वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो किस टाइप की लाइफस्टाइल जीता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप अच्छी खासी सेविंग करके अपने घर पर पैसे भेज सकते दोस्तों, और आप भी अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात होगी, कैसे आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर जॉब्स ढूंढ सकते हैं दोस्तों। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की वेबसाइट भी लेके जाऊंगा और कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में आपको वर्बली बता दूंगा ताकि आप उनके बारे में जाकर के खुद से सर्च कर सके। साथ ही दोस्तों मैं आपको जो कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिन वेबसाइट्स पर जाकर के आप फिनलैंड की जॉब सर्च कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप ये सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें से 70% लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। बड़ा डीमोटिवेटिंग सा हो जाता है हमारे लिए दोस्तों। हमें डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें मोटिवेट करना है ताकि आप तक जो है हर दिन अच्छी अच्छी खबर, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ सके, ठीक है। फिनलैंड के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, उसी तरीके की आज भी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप फिनलैंड में जॉब सर्च करना चाहते हो तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं दोस्तों, जैसे जॉबली हो गया जिसको मॉन्स्टर भी कहते थे पहले, उसके बाद बरोना हो गया। बरोना एक्चुअली एक रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है जिसके अंदर आप जॉब्स भी सर्च कर सकते हो। जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है दोस्तों उनके अंदर आप जॉब सर्च कर सकते हो, डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी किस टाइप के सेक्टर के लिए जॉब हायर कर रही है। सारे दोस्तों मैंने और भी आपको वेबसाइट्स के बारे में बताया था, जैसे वर्क इन फिनलैंड, जॉब्स इन फिनलैंड, ये सारी सारी ऐसी वेबसाइट्स है दोस्तों जिन वेबसाइट्स पे जाकर एज अ फॉरेन वर्कर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फिनलैंड फॉर्मेट यानी कि यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना जरूरी है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अवेलेबल है फिनलैंड में और इंडिया में भी, लेकिन अभी हम फिनलैंड वाले एजेंसीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे बरोना। इसके बाद दूसरी जो एजेंसी है दोस्तों वो है फिनवर्ड्स, उसके बाद स्टाफ पॉइंट, उसके बाद ए टैलेंट रिक्रूटिंग, उसके बाद ईजी, उसके बाद अडीको, ऐसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको मिल जाएंगी दोस्तों फिनलैंड में जॉब अप्लाई करने के लिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन्हीं रिक्रूटमेंट एजेंसीज में से किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर लेके जाऊंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बरोना के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर आपको जो है मेन पेज पे लेके आया हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब्स एंड बिजनेस ग्रोथ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको कीवर्ड और लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप सू जॉब्स पे क्लिक करके जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम एंड ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वी आर एन इनेबलर ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक पार्टनर और मतलब पार्टनर का काम करता है एक क्रिएटर और एक एम्प्लॉयर और एक जॉब एम्प्लॉई के बीच में, ठीक है। आपको जो है जॉब सर्च करने में मदद करता है और एक एम्प्लॉयर को जो है हायरिंग करने में मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है। डिशवॉशर की जॉब मिल जाएगी, टेक्नीशियन वगैरह की जॉब मिल जाएगी आपको। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो समर जॉब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं टीम लीडर वगैरह की जॉब अवेलेबल है, इलेक्ट्रीशियन, ऑफिस एचआर असिस्टेंट, प्रोडक्शन वर्कर, कैशियर, इन सभी जॉब्स के लिए जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। शेफ वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है, वेल्डर्स की जॉब अवेलेबल है, फुल टाइम जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, टेम्पररी पार्ट टाइम जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप इन सभी जॉब्स के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक मतलब जॉब के रेलेवेंट अपना सीवी और कवर लेटर बनाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ आप सपोज़ आप टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपने इस जॉब पे क्लिक किया और सारी की सारी जानकारी जो है आपसे यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस जॉब के लिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर दिस पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पेज खुलेगा जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं। जब वो नया पेज खुल जाता है तो उसके बाद जो है वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और नाम पता वगैरह डालना होता है, सीवी वगैरह अटैच करने के बाद जो है सेंड करना होता है दोस्तों। सिंपल सा तरीका होता है, देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर डालना है, सिटी किस सिटी में आप, उसके बाद नीचे है कुछ सवाल है जिसको आप ट्रांसलेट करके जो है भर सकते हैं दोस्तों और इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत आसान तरीका होने वाला है दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप भी फिनलैंड में जॉब सर्च कर सकते हैं, और सिर्फ सर्च नहीं दोस्तों बल्कि जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वेट करना छोड़िए, जल्दी से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सीवी कवर लेटर नहीं है तो सीवी कवर लेटर बनाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।